स्वाद आया। पघार से जो एक सुगंध आती है ना, क्या खुशबू रहती है, वाओ। और ये देखिए तेल। नमस्कार दोस्तों, आज मैं कोई बाहर का घूमने का ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, आज चिकन बनाने जा रहा हूँ। तो सोचा आपको भी दिखाता हूँ, मेरे मतलब एक अलग स्टाइल से मैं बनाने जा रहा हूँ। तो ये 300 ग्राम चिकन है मेरा जो तो मैं इसमें अभी ये धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, ये हो गया लहसुन और अदरक का पेस्ट, तो ये इसमें से हाफ डालूँगा क्योंकि ये हो गया छोटू सू चिकन मसाला जिसे मैं पूरा डाल दूँगा, और इसमें डालूँगा दही, एक चम्मच रिफाइंड डाल रहा हूँ, नहीं दो चम्मच कर देता हूँ, हल्दी पाउडर, और फिर हम डालेंगे नमक वो जो कि स्वाद अनुसार। फिर इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसे मिक्स हो चुका है, इसको मैं 5 मिनट के लिए छोड़ूंगा, मतलब ज़्यादा देर के लिए नहीं, अभी भूख लग गई है, ज़्यादा देर के लिए क्यों छोड़ूं। तो फिर कुछ करते हैं आगे। अब तब तक ये मतलब चिकन तब तक इसको अंदर सोख रहा है, खींच रहा है अपने आप में, तब तक गैस पे ये तेल चढ़ चुका है। तब तक मैं प्याज को फ्राई करूँगा भूरे होने तक। इसमें डालने जा रहा हूँ 2 चम्मच देसी घी, मतलब ये देसी घी है ओरिजिनल, क्या सुगंध है, वाह। 1 चम्मच और ये हाफ चम्मच, 2 चम्मच नहीं डालना चाहिए। और फोरन में मैं डालूँगा ये 3-4 सूखी मिर्च, और इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाल रहा हूँ, मतलब बहुत सारा जो डालते हैं वो हो गया क्या बोलते हैं जीरा वगैरह, अगर ऐसी पंचफोरना वो सब मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा अलग बना रहा हूँ। और अब डालूँगा प्याज, ये घी है इसलिए बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, और उसके ऊपर से मेरे चेहरे पर भी आके पड़ रहा है। अब इसको हल्के हाथों से, अरे हल्के या भारी हाथों से जो भी है, और इसको फिर ढक दूंगा। ओहो, ये देखो लग रहा है थोड़ा सा जलने भी लगा, नहीं जला, कोई नहीं, वाह। ये चिकन अगर आप बनाए होंगे मतलब जिस भी स्टाइल से, और अगर उसमें आपने घी डाल के बनाई होगी तो आपको खुशबू पता चल जाएगा कि मतलब इतना मतलब ज़बरदस्त खुशबू आ रहा है अभी ही, कि मत पूछिए, अभी मुंह में पानी आ गया। ये लहसुन की 8-10 कलियाँ हैं मैं इसमें डाल रहा हूँ अभी, और फिर इसको ढक देते हैं। तो दोस्तों ये जैसे मैं बोल रहा था ये भूरा भूरा हो चुका है, जल चुका है। जल चुका नहीं है, मतलब अभी मेरी सिस्टर का हाथ जल गया, मतलब ये उगा रहा था। तो अब चिकन डालता हूँ, ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा चला लूँ, देखने में तो अच्छा ही लग दिख रहा है, लेकिन देखते हैं कैसा होता है। और इसको ढक दिया, अब 3-4 मिनट तक आराम से इसको आराम से पकने दूंगा, थोड़ी सी आंच भी तेज कर दूँ, तब तक देखते हैं क्या होता है। और हाँ, आप लोगों ने किस तरह से चिकन बना के खाया है, कैसा अनुभव है, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक इसको इंतजार करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 4-5 मिनट हो गया है, देखते हैं क्या हाल हुआ है, मैं सही में देखा नहीं कभी अभी बीच में। तो देखिए उघाड़ते बघाड़ते जो एक सुगंध आती है ना, क्या खुशबू रहती है, वाओ। और ये देखिए तेल कैसे ऊपर हो गया है, और चिकन भी, ये चिकन दिख रहा है मतलब मटन की तरह दिख रहा है, वाओ वाओ वाओ, लग रहा है अच्छा हो जाएगा।
और इधर थोड़ा थोड़ा सड़ भी रहा है। तो मेरा चिकन बन रहा है इधर, मतलब मेरा चिकन, मेरे शरीर का चिकन मेरा लाया हुआ चिकन। और एक चीज़ आज आपको बताऊं, आज हम लोग बनाने वाले थे मछली, लेकिन मिला नहीं, तो बनने वाला था शायद चिकन ही। और इधर दिखाऊं तो इधर इधर ये चावल बन के रेडी हो चुका है, अरे और इधर चिकन इसी में टाइम है, नहीं तो पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, धमाल चौपड़ी मचा रहे हैं। अरे अंदर मत जा। तो दोस्तों अब पानी डाल ही देते हैं, ये जो मसाला था उसी में मैंने पानी डाला है, इसीलिए ये कलरफुल हो चुका है। ये गिलास पानी है, मतलब 250 ग्राम होगा पानी, और थोड़ा गैस का फ्लेम बढ़ा देता हूँ कि थोड़ा सा जल्दी पक जाए, क्योंकि अब वो होती है ना भूख बर्दाश्त के बाहर हो रही है। तो इसको ढक देते हैं और इंतज़ार करते हैं कितने, वहीं 15-20 मिनट इंतज़ार करते हैं, तब तक आप भी इंतज़ार कीजिए। देखता ये देखिए चावल तो अच्छा ही दिख रहा है, कोई नहीं ठीक है। तो दोस्तों इंतज़ार की घड़ी ख़त्म और एक खुशबूदार चिकन बनकर रेडी है। ये देखिए ग्रेवी भी एकदम कम हो चुका है, तो पहले मैं इसको टेस्ट करके देखूंगा। अब गैस का फ्लेम कम कर देता हूँ और टेस्ट करके देखता हूँ कैसा। नमक वगैरह कैसा है, तो मैं इसको टेस्ट करूँगा पता है किस चीज़ से, बता रहा हूँ। ये देखिए चिवड़ा, इससे टेस्ट करूँगा, तो चिवड़ा से टेस्ट करता हूँ। और चिकन को बंद कर दिया क्योंकि ये ग्रेवी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, मतलब जितना पकाना था उतना हो चुकी है, तो इसको टेस्ट करते हैं कैसा चिकन बना हुआ है। अच्छा बना है, मतलब स्वाद आया। तो ये चिकन तो बन गया, ये मेरा चिकन का बनाने का रेसिपी और ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप भी चिकन खाइए और बताइए। बाय।